अजमेर स्मार्ट सिटी के कार्य को लेकर आयोजित हुई बैठक, अधिकारी नवीन महाजन ने ली बैठक। बैठक में कलेक्टर, कमिश्नर, मेयर व एडी चेयरमैन व अन्य अधिकारी उपस्थित। आज अजमेर स्मार्ट सिटी के चल रहे कार्य को लेकर बैठक आयोजित हुई। अधिकारी नवीन महाजन ने इस बैठक को संबोधित करते हुए अधिकारियों से कई विषयों पर चर्चा की। बैठक में कलेक्टर आरती डोगरा, एडी अध्यक्ष शिवशंकर हेड़ा, मेयर धर्मेंद्र गहलोत व कमिश्नर हिमांशु गुप्ता व कई विभागों के अधिकारी शामिल हुए। नवीन महाजन ने बैठक में सीवरेज, एलिवेटेड रोड, आनसागर झील में वाटर स्पोर्ट्स को लेकर चर्चा की। साथ ही युवा वर्ग के लिए संदेश दिया कि जहां कहीं भी किसी को कूड़ा कचरा ये सब दिखे तो इसे ऐप के द्वारा प्रशासन को सूचित करें। क्या महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, आज जो अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की जो बोर्ड मीटिंग थी, इसमें अजमेर के जो मेयर हैं और जो अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन हिडा जी हैं, इसके अलावा क्लर्क साहब और कमिश्नर भी मौजूद थे। जो शहर के प्रमुख मुद्दे हैं, जैसे पेयजल है, तो पेयजल के लिए स्मार्ट सिटी ने भी 50 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट किए हैं और अमृत से और पीएचडी की अपनी खुद के संसाधनों से 50 करोड़, तो कुल मिला के अंदाजन 100 करोड़ का जो पेयजल का प्रोजेक्ट है, इस पे रिव्यू किया गया। और अगली जो मीटिंग है उसमें जो पीएचडी के एडिशनल चीफ इंजीनियर हैं, उनको कहा गया है कि वो पूरी डिटेल्स के साथ जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें वो क्या गुणवत्ता लाएंगे, किन इलाकों में पानी में बढ़ोतरी करेंगे और जहाँ पे पानी अच्छे दबाव से नहीं आ रहा वहाँ पे प्रेशर कैसे इम्प्रूव करेंगे, इन सब चीज़ों पे डिटेल्ड वो प्रेजेंटेशन करेंगे। सेकेंड, जो एलिवेटेड रोड का मेजर प्रोजेक्ट है, इसके बारे में कंपनी के जो अधिकारी थे उन्होंने हम सबके समक्ष डिटेल में प्रेजेंटेशन किया। अच्छी बात यह है कि इन्होंने सर्वे पूरा कर लिया है, जो सॉयल और जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है उसका काम भी पूरा कर लिया है। अलाइनमेंट इन्होंने एक वर्कआउट की है और एक सिटी एडवाइजरी काउंसिल है जो आज बोर्ड ने बनाई है, इसमें जनप्रतिनिधि जो शहर के हैं, इसके अलावा हम लोगों ने इसमें नवयुवकों को खास तौर पे और जो गैर सरकारी संगठन है उनकी भी भागीदारी इसमें डालने का निर्णय किया है। और कलेक्टर साहब को ये कहा है कि एलिवेटेड रोड के जो तमाम टेक्निकल पहलू हैं एक बार इस फोरम में भी रख लिए जाएं, ताकि इस पे अगर कोई और सुझाव आते हैं उनको भी शरीक कर लिया जाए। इसके अलावा जो आना सागर लेक है, इसके आसपास का जो क्षेत्र है, इसका और किस तरह से समग्र विकास हो सकता है, इस पे भी सुझाव लिए गए और कहाँ पर किस तरह के सोलर पैनल्स लग सकते हैं, वॉकवे किस नई पद्धति से विकसित हो सकते हैं, उन पे भी विचार विमर्श किया गया। जो किंग एडवर्ड मेमोरियल है, इसका किस तरह से हम एक अच्छा उपयोग कर सकते हैं, जयपुर में जैसे मसाला चौक है तो वो आज बहुत अच्छा एक पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र है, तो जो किंग एडवर्ड मेमोरियल है यहाँ भी बहुत अच्छी एक हेरिटेज बिल्डिंग है, इसका बहुत अच्छा उपयोग अभी हो भी नहीं रहा है, तो इस गुंजाइश को तलाशा जाएगा कि इसका किस तरह से उठाव पर्यटन की दृष्टि से किया जाए। इसके अलावा फिर जो हमारी आनासागर झील है, इसमें किस तरह से हम वाटर स्पोर्ट्स को फर्स्ट लेवल पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो जो नगर निगम और कलेक्टर साहब हैं इनको कहा गया है कि ये वाटर स्पोर्ट्स आनासागर झील में इंट्रोड्यूस करें, इस हेतु आवश्यक ये कदम उठाएं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम चाहते हैं कि शहर के जो यंगस्टर्स हैं ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और निगम और एडीए के साथ समग्र रूप से जुड़े हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई यहाँ पे शौचालय में जाता है, उसको वहाँ पे लगता है कि भी शौचालय ठीक से मेंटेन नहीं हो रहा, तो वो ऐप के ज़रिए ये सूचना देने पे उसको हम इंसेंटिवाइज करें। कहीं पे उसको कचरा दिखता है तो अभी वो किसको फ़ोन करे, हर एक के पास कमिश्नर का, मेयर का या कलेक्टर का फ़ोन नहीं होता, उस ऐप के ज़रिए वो तत्काल बताए कि भी यहाँ पे कचरा है, और जो पहला बताने वाला है उसको अधिक पॉइंट्स मिलें, पहले दो तीन जो बताने वाले हैं उनको हम इंसेंटिवाइज करें। पार्क है, पार्क में अगर वो कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसके दादा हैं, उसके घर में जो बाकी परिवार के सदस्य हैं, ये लोग अगर वहाँ पे डेली जाते हैं, कुछ वहाँ कंट्रीब्यूट करते हैं,
उसके छोटे छोटे पोर्शंस को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उनको भी हम इंसेंटिवाइज करें। इसी तरह से घर में कचरे को किस तरह से सेपरेट किया जाए, इसके लिए हमने 5 वार्ड फाइनल किए हैं। कमिश्नर जो अजमेर के हैं वो आपको उन 5 वार्डों की सूचना दे देंगे। अब इसमें इम्पॉर्टेंट है कि इन 5 वार्ड में हम घर का जो कचरा है इसको 2 तरह से हम घर पे ही बांटेंगे। तो एक कचरा होगा जो सब्जी, फल, फ्रूट इस तरह से है जिसकी हम कंपोस्टिंग कर सकते हैं, और दूसरा कचरा ऐसा है जो कपड़ा है या इस तरह की चीज़ें हैं जो बेसिकली नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो इसके लिए किस तरह से रणनीति बनेगी, इसमें भी हम कोशिश करेंगे उन वार्ड में कुछ यंगस्टर्स को वॉलंटियर बनाएं, और ये वॉलंटियर्स अगर इस मुहिम को कामयाब करते हैं तो हम उन वॉलंटियर्स को अगेन सर्टिफाई करें। तो 15 अगस्त 26 जनवरी के जो सर्टिफिकेट्स हैं इसमें जेन्युइन जिन लोगों ने कम्युनिटी में काम किया है उन लोगों को हम पुरस्कृत करें, सम्मानित करें और शहर के सामने मिसाल के रूप में उनको पेश करें। तो इस तरह से और कई चीज़ें हैं मेरे ख्याल से।